हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट फिट ट्रेनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस वीकली चार बस्टर सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीकली चार बस्टर एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं एवरी वीकली बेसिस पे आप लोगों के लिए दो या तीन स्टॉक लेके आता हूँ जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाय करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाय करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। अगर आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहां पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप्स में मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूं बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज सिल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक को लाने का एक रीजन, अगर आप यहां पे ध्यान से समझे, देखिए मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैं आ गया हूं और यहाँ पे मुझे ना एक चीज दिख रही है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे किस तरीके से ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं, ओके, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चीजों को समझे, यहाँ पे देखिए मुझे और एक चीज नोटिस हो रही है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एक एरिया मार्क कर दू ना, यस, ये वो पर्टिकुलर एरिया है देखिए जहां से प्राइस है ना कॉन्स्टेंटली बहुत बार रिजेक्शन वगैरह लिया हुआ है। ठीक है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ठीक है, और उसके बाद प्राइस यहाँ से एक मोमेंटम कर रहा है। अगर हम सिंपल तरीके से समझे ना, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दे सकता है, ये यहाँ से रिटर्न दे सकता है ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो 54 to 55%, 50% तक का एरिया एक बार को हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखा, इसके बाद जब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखो, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद देखिए ये जो हमारे एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था ना, प्राइस ने उसी को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करके यहाँ से ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है। देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, एग्जैक्ट यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला है। सिर्फ वॉल्यूम का कंफर्मेशन हम ले लेते हैं, देखिए वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजें ना हमारे फेवर में, लॉन्ग टर्म में भी ये प्राइस हमें काफी अच्छा लग रहा है और ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें अच्छा खासा मोमेंटम देता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में, दैट इज सिल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो ये था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज सिल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सेजल ग्लास लिमिटेड। सेजल ग्लास लिमिटेड की अगर मैं बात करूं ना, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ कब दिया था मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पर्टिकुलर स्टॉक आप लोगों को मैंने दिया था, ये देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहां पे मैंने 306 रुपए पे दिया था। देखिए मैंने क्या लिखा है, सर्किट वाला स्टॉक है बट पोटेंशियल बहुत है, टारगेट 500, रीजन ऑफ सेलेक्टिंग दिस वन लॉन्ग कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया था, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन करके प्राइस ने देखिए एक अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को अगर हम यहाँ पे देख ले, 306 रुपए से इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, 306 वाला एरिया हम देख लेते हैं, ओके, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है। यहाँ से देखिए इसने जो हमारा 500 का टारगेट था वो प्रॉपरली अचीव किया हुआ है और 62% तक की रैली यहाँ पे इसने दी हुई है, कितने दिनों में, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स के अंदर। ठीक है, अभी इस चीज को अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझे, 62% की रैली यहाँ पे इसने दे दी है, अभी देखिए अपने ऑल टाइम हाई के पास आके रुका हुआ है। ठीक है, तो क्या लगता है अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या क्या करेगा? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये दो चीजें कर सकता है, वो दोनों चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज यहाँ पे ये कर सकता है कि हो सकता है प्राइस यहाँ से एक शॉर्ट इस तरीके से मैनिपुलेशन करे, इस पर्टिकुलर एरिया तक आए, प्राइस इस तरीके से ऐसा कुछ रिटेस्ट करे, फिर ऐसे करके यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस बाउंस करता हुआ दिख सकता है। दिस इज माय फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इंस्टेंट ब्रेकआउट करे, फिर इस तरीके से कुछ मैनिपुलेशन करके फिर रिक्लेम करके रिटेस्ट करके प्राइस इस तरीके से मूव कर सकता है। बट अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन चेंज है, तो एक शॉर्ट मैनिपुलेशन या फिर शॉर्ट कंसोलिडेशन के बाद प्राइस दोबारा से हमें मूव करता हुआ दिख सकता है। सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डेप्थ को मेजर करेंगे, इसने कितने परसेंट का फॉल किया था, 60% का फॉल किया था, ऊपर में हम 60% एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे, तो ये एक बार को हमारे टारगेट्स हो जाएंगे डेप्थ के अकॉर्डिंग, दैट इज 795 के आसपास। ठीक है, ऑलरेडी हमारे एरिया से यहाँ पे 306 से मैंने दिया था, 306 से यहाँ से इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है और आने वाले समय में ये और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे, 494 के आसपास चल रहे हैं। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 546 के आसपास का और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 600 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ। और अगर मैनिपुलेशन करके जाता है तो प्राइस हो सकता है थोड़ा सा और फॉल करे, उसके बाद इस तरीके से कुछ करके यहाँ पे निकले। ठीक है, तो ये था आज का हमारा नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज सेजल ग्लास लिमिटेड। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है जीएफएल लिमिटेड। देखिए जीएफएल लिमिटेड मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ सबसे पहली बार शेयर किया था, ये था वो पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से मेरा पहला टारगेट दूसरा टारगेट मैंने दिया था। प्राइस यहाँ पे 30% का रिटर्न देके
एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा फॉल किया था, मैंने दोबारा से इस एरिया पे आप लोगों के साथ दिया था, उसके बाद प्राइस ने एक साइडवेज एक्यूमुलेशन किया और अल्टीमेट मैनिपुलेशन करने के बाद प्राइस यहाँ पे देखिए दोबारा से रेडी हो रहा है। ये जो हमारे दोनों टारगेट्स है ना इसने अचीव किया है, बट कितने दिनों बाद एक बार देख लेते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अभी यहाँ से हमारे दोनों स्विंग के टारगेट अचीव किए हैं, बट कितने दिनों में, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 मंथ्स के बाद, ठीक है 7 मंथ्स के बाद यहाँ पे इसने हमारे सारे टारगेट अचीव किए हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक दोबारा से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे इसमें एक चीज नोटिस हो रही है, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ ना, मंथली टाइम फ्रेम पे जब मैं चला गया तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से ना एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूं ना, यस ये वो हमारा ट्रेंड लाइन हो जाएगा जहां से प्राइस एक कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन शो कर रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मंथली में, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये हमारा एक ऐसा एरिया हो सकता है जहां से जब प्राइस निकले तो यहाँ से एक बड़ा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर हम मेजरली यहाँ पे देखें ना 98 से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। एक जो मेरा मेजर टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा हमारा यहाँ पे 204 रुपए के आसपास का, दैट इज इन GFL लिमिटेड, ठीक है। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।